कहो कि खत लिखने वाली फरा तुम हो। खुदा की कसम, कसम मत खाओ। किसी का भरम रखने के लिए कह दूं? अरे क्यों कह दूं भाई? क्योंकि खत लिखने वाली फरा कोई और नहीं है। क्या क्या मतलब? अच्छा याद करो, कभी कभी वो तुम्हें तुम्हारे स्कूल के बाहर नजर आता होगा, कभी तुम्हारे कॉलेज के दरवाजे पर। हाँ नजर आता था, कॉलेज के बाहर तो अक्सर नजर आता था। वो आरफा पढ़ती थी ना वहां, लेने आता था उसे। वो तुम्हें देखने आता था फरा, छुप कर देखता था तुम्हें। तुम इब्राहिम कॉटन्स के मालिक की बेटी थी और वो गरीब मौलवी का बेटा, इसलिए कुछ कहने की बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी उसे। तो फिर जब उसे लगा कि वो कभी तुमसे बात नहीं कर पाएगा, कभी कह नहीं सकेगा कि वो तुमसे प्यार करता है, तो उसने प्यार करने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया। क्या किया उसने? वो तुम्हारी तरफ से अज़ल को खत लिखने लगा। जो बातें वो तुमसे कहना चाहता था, समझ लेता था कि उसने कह दी, और जो बातें वो तुमसे सुनना चाहता था वो खत में लिखकर अपने दोस्तों को सुना देता। उसने बिलीव कर लिया कि तुम उससे प्यार करती हो, और साथ ही ये भी मान लिया कि तुम उसे कभी नहीं मिले। फील सॉरी फॉर हिम। हाँ आई फील सॉरी फॉर हिम टू। मान लिया उसने, जाहिर है अब पकड़ा गया है तो मान लिया होगा उसने। वो पकड़ा गया है फरा, लेकिन वो माना नहीं, क्योंकि मैंने उसे कहा ही नहीं कि मान जा। ये तो तुम्हारी गलती है ना। अरे वो मंगेतर है तुम्हारा, गिरबान पकड़ के कहना चाहिए था, ए मिस्टर ये क्या हो रहा है? ये कोई याद से हो रहा है, और ये कोई कल तक होता रहेगा। ये तो तब तक होता रहेगा फरा जब तक वो मर नहीं जाता, या फिर मोहब्बत नहीं मर जाती। इंटरेस्टिंग। तो अब तुम ये चाहती हो कि मैं माफ कर दूं उसे? अरे नहीं फरा, अब मैं ये चाहती हूं कि तुम इकरार कर लो, मान लो कि तुम अफजल से मोहब्बत करती हो। और मान लो कि वो सारे खत तुमने लिखे थे। वेरी फन, आई डोंट थिंक आई एम क्रेजी लाइक यू। सच बताओ तुम उसकी मंगेतर हो या बस तेरे डालने के लिए कह देती हो? समझो ऐसे ही बस टेरर डालने के लिए कह देती हूँ। कमीने ने पहली मुलाकात में ही टेरर डाल दिया था मुझ पर, बोला उठाकर बाहर फेंक दूंगा। नहीं नहीं उठाया नहीं, बस ऐसे ही कहने को बोल दिया। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है उसे। से बात कर लेता तो सीख लेता, लेकिन अब कुछ दिन मेरे पास रहा है ना, थोड़ा सीख गया। मंगनी करने आया तो बड़ी तमीज से कहने लगा, मंगनी करोगी मुझसे? फिर लगा जैसे गाली दी हो उसने। गाली कैसे? बताओ ये कौन कहता है कि मंगनी करोगी मुझसे? प्यार होता तो कहता शादी करोगी मुझसे। तुम्हारी कसम, फिर मैं कभी ना सोचती किसे खत कौन लिखती थी। फरा तुम होती या कोई और, मैं पैरों तले रोंदकर चली जाती।
तुम्हारी तरह की लड़की चाहिए थी उसे, टूटकर प्यार करने वाली। उसे बस तुम चाहिए थे, उसको तोड़ देने वाली। वो हैदराबाद से टूट कर आया था, और जो हैदराबाद से टूट कर आए वो कराची में जुड़ नहीं सकता। मंगनी से एक दिन पहले बोला, यास्मीन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे मालूम था वो यही कहेगा, क्योंकि वो प्यार को अपने प्यार से ज्यादा जानता ही नहीं। इसलिए जब मंगनी की बात करने आया तो लगा हम गलत करने आए। उस दिन तुम्हारी मंगनी थी ना, तो करारा जवाब देने आया था। मैंने भी सोचा कर लो मंगनी, मंगनी का क्या है, वो मुड़कर वापस देखेगा तो टूट जाएगी। संडे को शादी है मेरी, संडे को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और देखना संडे को वो तुमसे शादी कर लेगा, फिर वही करारा जवाब देगा। क्यों फरा, ये करारा जवाब देने का खेल बस तुम दोनों क्यों खेलते हो? इस बार मैं क्यों ना खेलूं? और मैं खेलूंगी तो तुम्हें पता चलेगा कि कोई कराची से टूट कर आए हैदराबाद में जुड़ नहीं सकता। मंगनी मत तोड़ना। अरे नहीं, मैं तो कभी नहीं तोड़ूंगी, लेकिन उसका क्या करूं, वो बस तुम्हारा नाम सुनकर चौंकता है तो मंगनी टूट जाती है। अरे नहीं, मेरा कुछ नहीं लगता है वो, मैं ये जानती हूँ कि वो आसफा का भाई है या फिर मौलवी साहब का बेटा है या फिर वो मेरे नाम से अपने नाम खत लिख लेता है। कमीना, कमीने से मोहब्बत करती हो तो नहीं मर जाओगी उसके पता है। वेरी फनी, वो नहीं मिलता तो ढूंढती हो उसे, और इस तरह ढूंढती हो कि फिर किसी और को मिलता ही नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूं, चाहे तो कसम ले लो। चलो दे दो कसम। खुदा की कसम खाकर कहो कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती। इस वक्त खुदा यहीं खड़ा देख रहा है तुम्हें, दिखाओ उसे, बताओ कि तुम अफजल से मोहब्बत नहीं करती।